क्या अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही मिलता है। बहुत सारे लोग बहुत मेहनती होते हैं, अपने परिवार की देखरेख बहुत अच्छे से करते हैं और वो सोचते हैं कि उनके बिना उनका परिवार मुश्किल में पड़ जाएगा। कितनी सही है ये दोनों बातें। एक गांव में एक व्यक्ति किराने की दुकान चलाता था, पूरा गांव उसी की दुकान से सामान लेता था, क्योंकि स्वभाव से वो बहुत ही विनम्र था। जरूरत पड़ने पर वो गरीबों की मदद भी करता था और किसी के पास पैसे ना हो तो समय सामान उधार पर भी दे देता था। एक दिन की बात है, वो व्यक्ति ठंड के मौसम में दुकान बंद करके घर जा चुका था। कुछ लोग उसकी दुकान के बाहर लकड़ियां जलाकर आग ताप रहे थे। अचानक ही तेज ठंडी हवाएं चलने लगी और वो लोग जलती हुई लकड़ियां वहीं छोड़कर चले गए। तेज हवा के साथ आग की लपटें उसकी दुकान तक पहुंची और दुकान ने आग पकड़ ली। शोर हुआ, गांव वाले आग बुझाने पहुंचे, लेकिन तब तक तेज हवा के साथ पूरी दुकान जलकर राख हो गई। वो व्यक्ति रात भर सो नहीं पाया दुख के कारण। वो सोचता रहा कि उसने सबका इतना भला किया, फिर उसके साथ इतना अन्याय क्यों हुआ। अपने अशांत मन को शांत करने के लिए अगले दिन वो एक संत के प्रवचन में गया। संत ऊंची आवाज में कह रहे थे, अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही मिलता है। जब प्रवचन खत्म हुआ, सब लोग चले गए, तो वह व्यक्ति संत के पास पहुंचा और उसने कहा, महाराज जी, आपकी बातों में कोई सच्चाई नहीं है। उसने अपनी पूरी कहानी संत को सुनाई और पूछा कि भगवान ने उसके साथ ऐसा गलत क्यों किया, उसने तो सबका बहुत भला किया था। संत ने कहा, मैं जो कह रहा हूं वो बात 100% सही है। व्यक्ति ने कहा, आप प्रमाण दे सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा मिलता है। संत ने कहा, बिल्कुल कर सकता हूं, पर उसके लिए तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा। उस व्यक्ति ने कहा, बिल्कुल दूंगा, बताइए मुझे क्या करना पड़ेगा। संत ने कहा, उसके लिए तुम्हें 1 महीने तक भेष बदलकर मेरे आश्रम में रहना पड़ेगा। व्यक्ति ने पूछा, अगर मैं घर नहीं जाऊंगा तो वैसे ही दुख की स्थिति है, क्या मेरे परिवार वाले परेशान नहीं हो जाएंगे, मुझे लेकर चिंतित नहीं हो जाएंगे? संत ने कहा, तुम्हारा ये भ्रम भी टूट जाएगा, मैं जैसा कहता हूं वैसा करो। उस व्यक्ति ने कहा, ठीक है। संत ने उस व्यक्ति के घर पर ये संदेश भिजवा दिया कि उस व्यक्ति की एक दुर्घटना में मौत हो गई। घर वालों ने बहुत रोना पीटना किया, बहुत दुखी हुए। पूरे गांव वालों ने मिलकर पैसे इकट्ठा किए, उस व्यक्ति की 2 ब्याहने लायक बेटियां थी, दोनों की ठीक ठाक लड़कों से शादी करवा दी। एक बेटा था, उसी की किराने की दुकान से एक सेठ सामान खरीदा करता था, जिसने कि उसके बेटे की अच्छी जगह नौकरी लगवा दी। पूरा परिवार ठीक ठाक चल रहा था। 1 महीने बाद जब वो घर पहुंचा तो उसने देखा, पत्नी मुस्कुरा रही है, उसके चेहरे पर तो गम के कोई भाव ही नहीं है। वो दौड़ा पत्नी के पास, उसने पूछा, बेटियां कहाँ हैं? पत्नी ने पूरा किस्सा सुनाया कि कैसे उसके जाने के बाद गांव वालों ने उनकी मदद की। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अच्छे कर्मों का फल जरूर मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है, और खुद को कभी भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझना चाहिए कि हमारे बिना कोई जिंदा नहीं रह पाएगा।